तो कई बार दोस्तों जब आप किसी कार्य को होते हुए देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य तो होना ही था, तो आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि यह तो होना ही था, या फिर उसे तो जाना ही था, या फिर मुझे तो करना ही था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें हम ऐसा भाव दिखाते हैं, मतलब ये करना मजबूरी थी या फिर एक तरीका से बाउंडेशन थी, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखिए इसमें आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है अपना सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट इसमें काम करेगा या फिर जिसके बारे में आप बोलोगे। उसके बाद आपको लिखना है अपनी हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि यदि पास्ट की लिखोगे तो वाज वर्ब, और प्रेजेंट की लिखोगे तो इज एम आर में से कोई एक। उसके बाद आपको लिखना है बाउंड टू। यहाँ पर बाउंड टू का मतलब है कि मतलब मजबूरी है, बंधा हुआ है, ये आपकी बाउंडेशन है या फिर किसी की बाउंडेशन है, ये यहाँ पर इसका मतलब है। उसके बाद आपको लिखना है अपना जो वर्क है, यानी कि जो भी आपकी वर्ब है वो आपको सबसे लास्ट में लिख देनी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको बताता हूँ। जैसे कि ये तो होना ही है, इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, इट इज बाउंड टू हैपन। इसका मतलब है कि ये तो होना ही है, मतलब इसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसी कुछ हम इसमें फीलिंग देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे तो यह करना ही था, अब इसकी इंग्लिश होगी आई वाज बाउंड टू डू दिस या फिर डू दैट, या फिर मुझे तो वह करना ही था, तो डैट और यह के लिए दिस का आप यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, तुम्हें तो यह मिलना ही था, इसकी इंग्लिश होगी यू वर बाउंड टू गेट दिस। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, तुम्हें तो वहां जाना ही था। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।